सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जाफर नियाज़ तो ये ज़िला हरदोई है और अभी हाल ही में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदेश में युवा गन्ना कृषक संवर्ग के रूप में दूसरा स्थान पाने के कारण सम्मानित भी किया गया। और इस वर्ष अभी हमारे खेत पे हमारी ग्राम सभा के ही कुछ किसान विजिट करने के लिए आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित किए जाने के बाद यहाँ क्षेत्रीय किसानों में ये ललक पैदा हुई है कि कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम शुरुआत से बताना चाहेंगे कि गन्ने में सभी किसानों को दूरी का महत्व समझना पड़ेगा। दूरी बढ़ने से वायु संचार और प्रकाश का जितना संचार होगा उतना हमारा गन्ना स्वस्थ, मोटा और वज़नदार रहेगा। किसानों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गन्ना घना कर लेने और गन्ना की हाइट बढ़ा लेने से गन्ने की पैदावार नहीं निकलेगी। जब तक गन्ना मोटा नहीं होगा, जब तक गन्ने में चीनी की मात्रा नहीं ज़्यादा आएगी, तब तक गन्ने का हमें असली वज़न नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ आप लोग इससे पहले किस तरीके से खेती करते थे? देसी टेंच से, देसी विधि से। और उसके बाद यहाँ इससे पहले देसी तरीके से खेती होती थी, हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंच मेथड से खेती को अपनाया है। हमारे प्रदेश सरकार की एक पंचामृत योजना आई थी, उसमें जो है ट्रेंच मेथड से ड्रिप इरिगेशन, सहफसली खेती और रेटून मैनेजमेंट और ट्रैश मल्चिंग, इन सब विधियों को अपनाकर हमने पंचामृत योजना के तहत खेती करी। जिससे अच्छा आप ये बताइए, क्या यहाँ हम लोग के ट्रेंच विधि से खेती करने पैदावार क्या बढ़ी है? हाँ, कुछ बढ़ी है, देसी से बड़ी है। और इसके क्या देसी तरीके में क्या पहले से सहफसल ली जा सकती थी? नहीं ले जा सकती थी। ट्रेंच विधि में? ट्रेंच विधि में मिल जाती। अच्छा, यहाँ जैसा कि यहाँ सभी किसानों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि ट्रेंच मेथड से खेती करने में जो हमारे खेती की लागत है वो हमारे सहफसली खेती से निकाली जा सकती है और गन्ने में वायु और प्रकाश का भी संचार अच्छा हो जाता है ट्रेंच विधि से खेती करने में। इसी के साथ हम लोग ट्रेंच से आगे थोड़ा सा गए हैं। इस बार हम लोगों ने एक ट्रायल किया है रिंग पिट मेथड से। रिंग पिट मेथड में बुआई का एक तरीका ये बदलेगा कि इसमें गड्ढे बनते हैं, एक बीघे में करीब 325 गड्ढे बनेंगे और एक गड्ढे से अगर हमने मिनिमम 50 किलो गन्ना भी ले लिया तो हम लोग बड़े आराम से करीब 170 से 180 कुंटल पर बीघा पहुँच सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या 25 से 30 गन्ने बन जाएंगे? बन जाएंगे 30-35 गन्ने। 30-35 गन्ने का, 30-35 किलो का अगर हम लोग 2 किलो से भी 30-35 गन्ने का 2 किलो से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग 60 किलो पर गड्ढे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें यह बुआई का जो हमने तरीका बदला है इसमें किसान थोड़ी सी कास्ट बढ़ेगी लेकिन हम लोग उत्पादन में करीब 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ जो है किसान धीरे 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 अब पारंपरिक तरीका छोड़ के आधुनिक खेती की तरफ अग्रसर हो गए हैं। और अभी हम अपने प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी गए थे, वहाँ आचार्य श्री देवव्रत जी का फार्म भी देखा, वहाँ कैसे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाए। वहाँ जाके बहुत अच्छा आत्मविश्वास मिला है और प्राकृतिक खेती से ये समझ में आया है कि हम लोग अपने गन्ने की लागत को कम करके अपने ज़मीन का स्वास्थ्य भी अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ फ़िलहाल जब तक किसान यहाँ के मॉडल प्लाट देखेंगे नहीं तब तक किसान आगे नहीं आएंगे। तो हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है कि कैसे हम लोग जो मॉडल प्लाट हैं वहाँ किसान क्षेत्रीय किसानों को भ्रमण करा के, उनसे वार्ता करा के किसानों को कैसे आधुनिक तकनीक से खेती कराई जा सके जिससे उनको आर्थिक लाभ हो सके। धन्यवाद।